हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि माइक्रोवेव ट्यूब्स का लास्ट टॉपिक है, बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर्स। ठीक है, VWO बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर। ठीक, यह अगला टॉपिक है, माइक्रोवेव का लास्ट टॉपिक है। VWO यानी बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर बेसिकली क्या होता है, एक तरह का TWT ही होता है। ठीक है, VWO क्या होता है, एक TWO, बस इसमें क्या होता है कि एट्यूनेटर नहीं होता। TWT में क्या होता है, एट्यूनेटर होता है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एट्यूनेटर हटा दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो सेंटर से पास करेगा। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन है जो बीम, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्लो वेव स्ट्रक्चर है, तो क्या है कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि BWO में हमने क्या कर दिया, एट्यूनेटर हटा दिया, जबकि TWT में था, तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो सेंटर से पास करेगा। ठीक, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये हेलिक्स स्लो वेव स्ट्रक्चर से टकरा के हेलिक्स से वो क्या है वापस आएंगे इनपुट की ओर। अब वो जब टकरा के वापस आएंगे तो यानी कि क्या हो गया, फीडबैक हो गया। और अब यहाँ पे अगर वर्कोसेंट क्राइटेरिया होगा, यानी कि वर्कोसेंट अगर क्राइटेरिया फॉलो करता है ये, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फीडबैक पाथ आ जाएगा। फीडबैक पाथ यानी कि हमें क्या होगा कि आउटपुट मिलेगा बिना इनपुट दिए। तो ये है BWO। BWO में क्या है कि हम एटीनेटर हटा देते हैं, एटीनेटर हटा दिया, तो यहाँ पे क्या है कि हमने एटीनेटर हटा दिया है। तो एटीनेटर हटा दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो टकरा के वापस आएंगे वो इनपुट में। तो यदि यहाँ पे वर्कसन क्राइटेरिया फॉलो करता है तो हमें क्या होगा कि आउटपुट मिल जाएगा बिना इनपुट दिए। तो एटीनेटर का काम क्या था, सप्रेस करना। ठीक है, ऑसिलेशन को सप्रेस करना, और उसे हमने हटा दिया तो ये बन गया बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर होता क्या है। बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर को हम क्या, कार्सिनोट्रॉन या बैकवर्ड वेव ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, दिख नहीं रहा होगा। तो बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर को क्या है, कार्सिनोट्रॉन और बैकवर्ड वेव ट्यूब भी बोलते हैं। ये एक तरह का वैक्यूम ट्यूब होता है जो कि यूज होता है माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी को जनरेट करने के लिए अप टू टेराहर्ट्ज रेंज में। ठीक है, तो ये एक ऑसिलेटर है जो कि क्या है कि वाइड इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग रेंज के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये एक ऑसिलेटर होता है जो कि वाइड इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग रेंज के साथ यूज होता है। ये दो टाइप्स का होता है, एक तो हो गया आपका लीनियर एम कार्सिनोट्रॉन, दूसरा हो गया सर्कुलर एम कार्सिनोट्रॉन। ठीक है, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं लीनियर एम कार्सिनोट्रॉन। लीनियर एम कार्सिनोट्रॉन में क्या होता है कि ये एक टाइप का एम कार्सिनोट्रॉन क्या होता है कि एम टाइप बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर होता है। इसमें क्या होता है, जो इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स और स्लो वेव स्ट्रक्चर का, वो क्रॉस्ड स्पेस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं क्रॉस फील्ड। ठीक है, तो जो इंटरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का और स्लो वेव स्ट्रक्चर का, वो कहाँ पे हो रहा है, स्पेस जो कि यहाँ पे क्रॉस फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इस स्पेस में हो रहा है। ठीक है, स्लो वेव स्ट्रक्चर में जो कि क्या होता है, स्लो वेव स्ट्रक्चर जो कि पैरेलल में होता है इलेक्ट्रोड के साथ, उसको बोलते हैं हम सोल। ठीक है, स्लो वेव स्ट्रक्चर क्या है, पैरेलल में होता है इलेक्ट्रोड के साथ, उसे बोलते हैं हम सोल। डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो देख रहे हैं वो कहाँ पे है, डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो है ग्राउंडेड स्लो वेव स्ट्रक्चर और नेगेटिव सोल के बीच में। ये है सोल, तो ये देखिए नेगेटिव सोल है, और यहाँ पे क्या, ये स्लो वेव स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं स्लो वेव स्ट्रक्चर का ग्राउंडेड पोर्शन। ठीक है, तो ग्राउंडेड स्लो वेव स्ट्रक्चर और नेगेटिव सोल के बीच में होता है डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड। डीसी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टेड होता है इन टू द पेज। ठीक है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं कैथोड से। ठीक है, ये कैथोड, इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते हैं वो बेंड होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बेंड हो जाते हैं, वो किसके द्वारा हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, 90 डिग्री एंगल।
ठीक। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है, इंटरैक्ट करते हैं बैकवर्ड वेव स्पेस के साथ, जो कि हार्मोनिक होता है सर्किट का। तो इसमें सर्किट में क्या होता है, जो एनर्जी फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन मोशन के, ठीक है। तो जो एनर्जी फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन मोशन के। आगे देख लेते हैं हम, ठीक है। सिलोबी स्ट्रक्चर, सिलोबी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो कि टर्मिनेट हो रहा है कहाँ पे, कलेक्टर की ओर, ये कलेक्टर है आप देख रहे हैं। तो सिलोबी स्ट्रक्चर जो टर्मिनेट हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, वो कलेक्टर की ओर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो RF सिग्नल आउटपुट है, RF सिग्नल आउटपुट है वो कहाँ पे रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गन के एंड पर, ठीक है। तो जो RF सिग्नल आउटपुट है वो कहाँ पे एंड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गन के एंड पर हो रहा है। और जो RF जो है सिग्नल टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है, कलेक्टर एंड पर, ठीक। चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर है, बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर, ठीक है, ये है क्रॉस फील्ड डिवाइस होता है, इसीलिए इसकी इफिशियंसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, 30-60% इसकी इफिशियंसी क्या होती है, हाई होती है, ठीक। आगे देख लेते हैं हम परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। एक तो हो गया फ्रीक्वेंसी रेंज 1 GHz से 1000 GHz होता है, पावर आउटपुट 10 mW से 150 mW होता है कंटिन्यूस वेव के लिए, 20 W होता है हाई फ्रिक्वेंसीज पर, 250 kW होता है पल्स के लिए जिसमें ड्यूटी साइकिल होता है लेस देन 1 सेकेंड, ठीक है। ट्यूनिंग रेंज जो होता है अप टू 40 GHz, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर का, एक तो यूज एज माइक्रोवेव सोर्स इन इंस्ट्रूमेंट्स एंड ट्रांसमीटर्स, दूसरा है ब्रॉडबैंड नॉइज सोर्स फॉर एनिमी रेडार कन्फ्यूजन, थर्ड है अ नॉइजलेस ऑसिलेटर विथ गुड बैंडविड्थ इन द फ्रिक्वेंसी रेंज 3-9 GHz, ठीक है। ये टॉपिक ख़त्म होता है हमारा बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर, अब हम अगले टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।